दोस्तों फाइनली वोडाफोन आइडिया ने वो काम स्टार्ट कर दिया जो उसको बहुत पहले कर लेना था, जो कि है अपने ARPU को बढ़ाना, जिसकी वजह से कंपनी आज नुकसान में है। अब ARPU को बढ़ाने से मतलब ये है कि आप लोग अपने प्राइसेस को इंक्रीज करना होगा, प्लान के प्राइसेस को इंक्रीज करना होगा, या फिर कुछ प्लान्स के वैलिडिटी है उनको कम करना होगा, उनमें जो बेनिफिट्स है उनको कम करना होगा, ताकि यूजर्स आपको पैसे दे सकें। क्योंकि वोडाफोन आइडिया के जो यूजर्स हैं ना, वो लो पेइंग यूजर्स हैं, यानी कि वो बंदे सिर्फ ऐसे हैं जो कि बहुत कम रिचार्ज कराते हैं। हालांकि वोडाफोन आइडिया बहुत कम रिचार्ज में आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि डाटा की तो भाई भरमार है वोडाफोन आइडिया के अंदर, मैं पहले ही कह रहा हूँ। और आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, वोडाफोन आइडिया ने अपने दो प्लान्स की वैलिडिटी को चेंज कर दिया है, कुल मिलाकर अपने ARPU को बढ़ाने के लिए कदम उठाने स्टार्ट कर दिए, अभी किस सर्कल में क्या गया और कहां कहां पे क्या गया। अगर आप वोडाफोन आइडिया कस्टमर हैं तो वीडियो के एंड तक पूरी देखिएगा। अगर बात करें ARPU की एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, तो सबसे ज्यादा ही बैठता है जियो का, यानी कि जियो का सबसे ज्यादा ARPU है, सेकंड नंबर पे आता है एयरटेल और थर्ड नंबर पे आता है बेचारा हमारा वोडाफोन आइडिया। थर्ड का मतलब भी है काफी नीचे आता है, थर्ड नंबर पे भी है, यानी कि बहुत ज्यादा नुकसान में कंपनी चल रही है, और नुकसान की वजह से ही, पैसे ना होने की वजह से ही अपने 5G को रोल आउट नहीं कर पा रही है, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई पैसा देने के लिए तैयार है नहीं। लोगों को लगता है कि जो कंपनी डूब रही है, अगर हम उसको पैसा देंगे तो पता नहीं हमारा पैसा मर जाएगा, चला जाएगा, क्या हो जाएगा, इसलिए कोई पैसा देने के लिए तैयार है नहीं। तो जैसे इनको फंड मिलेगा तो 5G रोल आउट कर ही देंगे वो लोग, इस बात में कोई शक नहीं है। फंड मिलने के आई थिंक 1 से 2 महीने में या मैक्सिमम 3 मंथ्स में आप लोग को वोडाफोन आइडिया में 5G देखने के लिए मिल जाएगा। खैर, अब बात करते हैं हम यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के प्लान्स के बारे में। तो वोडाफोन आइडिया के दो प्लान्स हैं, एक है 99 रुपीज़ का, एक है 128 रुपीज़ का। 99 का प्लान आप चाहे पूरे इंडिया में किसी भी सर्कल में आपको अपने यहाँ शो हो जाता है, रिचार्ज कर लेते हैं, लेकिन 128 वाला जो प्लान ना वो सिर्फ महाराष्ट्र और गोवा में ही है। तो 128 वाला जो प्लान है और जो 99 वाला प्लान है, कंपनी ने इनकी वैलिडिटी को कम कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने इनकी वैलिडिटी को कम कर दिया है, और वैलिडिटी कम करके कर दी गई है 99 वाले प्लान की 15 डेज। पहले इसकी जो वैलिडिटी थी वो थी 28 डेज, अब लेकिन इसको घटा के 15 डेज कर दिया, यानी कि लगभग आधा इसकी वैलिडिटी को कर दिया गया है। कुल मिला के या तो आप ये बोल लीजिए कि वैलिडिटी को आधा कर दिया है, या फिर आप ये बोल लीजिए कि प्लान्स के पैसे को इंक्रीज कर दिया है। क्योंकि जब आप लोग 99 का रिचार्ज कराते थे तब आपको 28 डेज मिलते थे, और लेकिन अब आपको दो बार 99 का रिचार्ज करना पड़ेगा तब जाके आपको 30 डेज मिलने वाले हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा जरूरत थी वोडाफोन आइडिया को सर्वाइव करने के लिए इस चीज़ की, जो कि वोडाफोन आइडिया करना स्टार्ट अब किया। आई थिंक ये बहुत जल्द करना था, बहुत पहले करना था वोडाफोन आइडिया को, क्योंकि ऐसा ही कुछ काम किया है एयरटेल ने। जबकि एयरटेल का ARPU काफ़ी ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद एयरटेल ने काफ़ी महीने पहले, आई थिंक 3-4 महीने पहले ही अपने जो ARPU को बढ़ाने के लिए अपने प्लान्स की वैलिडिटी को कम करना, प्लान्स को बंद करना, नए प्लान स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अभी पिछले साल से ही एयरटेल ने अपने जो 99 वाला प्लान था उसको बंद करके उसकी जगह 155 वाले प्लान को लॉन्च कर दिया, यानी कि कुल मिला के देख लीजिए 99 से डायरेक्ट 56 रुपीज़ इंक्रीज की उन्होंने अपने एक प्लान के अंदर। तो ये उन्होंने किया था पिछले साल से ही, पहले उन्होंने एक सर्कल में किया, फिर दो में किया, फिर सात में किया, फिर उन्होंने सभी सर्कल्स में इसको लागू कर दिया। और वोडाफोन आइडिया का जो प्लान है 128 का, उसकी वैलिडिटी आपको मिलती है 28 डेज, उसकी वैलिडिटी कर दी गई है 18 डेज। तो कुल मिला के वैलिडिटी को कम किया गया है दोनों प्लान्स की। और अगर बात करें यहाँ पे सर्कल की, तो महाराष्ट्र सर्कल ऐसा है जिसके अंदर अभी सिर्फ ये जो प्लान है इनकी वैलिडिटी कम दिखाई दे रही है। अकॉर्डिंग टू टेलीकॉम टॉक रिपोर्ट, महाराष्ट्र के अंदर ही अभी इन दो प्लान्स की वैलिडिटी को कम दिखाया जा रहा है, यानी कि अगर वहाँ पे कोई यूजर रिचार्ज कर रहा है अपने वोडाफोन आइडिया के नंबर में 99 में 128 में, तो उनको वैलिडिटी बहुत कम शो हो रही है। बेनिफिट्स तो उतने ही हैं, लेकिन वैलिडिटी आपको कम शो हो रही है वहाँ पे। तो इसका मतलब कंपनी ने महाराष्ट्र के सर्कल के अंदर अपनी जो वैलिडिटी है इन प्लान्स की, उनको कम कर दिया, यानी कि अपने ARPU बढ़ाने के लिए कंपनी ने कदम उठा लिया। मेरे हिसाब से अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हालांकि यूजर जो है ना वोडाफोन आइडिया के लिए, उनके लिए थोड़ी सी ये गलत बात हो सकती है, शायद उनको बुरा लगे सुनके, लेकिन देखिए रियलिटी तो यही है। आप लोगों को लग सकता है बुरा कि अभी कंपनी के पैसे बढ़ा दिए, लेकिन हाँ, कंपनी को सर्वाइव अगर करना है तो भाई ये तो बहुत जरूरी था, और मेरे ख्याल से तो पिछले साल से ही कंपनी को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने काफ़ी टाइम लगा दिया ऐसा करने में। दोस्तों टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही जो प्लान्स हैं इनकी वैलिडिटी कम किया गया, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके एरिया में 99 वाले प्लान्स की जो वैलिडिटी है वो 20 से घटा के 15 डेज शो कर रहा है। आप लोग क्या करना, अपने सिंपली किसी भी रिचार्ज एप्लीकेशन में जाना है, या फिर आप VI के ऐप में भी जा सकते हैं, वहाँ पे आप 99 प्लान की वैलिडिटी को चेक कीजिए। अगर 28 डेज है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको 15 डेज वहाँ पे शो कर रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई हमारे एरिया में या फिर हमारे सर्कल में भी वैलिडिटी को कम कर दिया गया। लेकिन हाँ, सर्कल का नाम लिखना मत भूलना, यानी कि किस जगह से आप हो ना, कौन से स्टेट वगैरह से हो, कौन से जिले से हो, वो लिखना आप जरूर लिखना जरूर कमेंट बॉक्स में। अब देखिए महाराष्ट्र में तो ये स्टार्ट कर दिया है कंपनी, लेकिन महाराष्ट्र के बाद धीरे धीरे इसको सब जगह बढ़ाया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पिछले साल एयरटेल ने भी ऐसा किया था, पहले दो सर्कल में किया था, उसके बाद फिर 7 सर्कल में, फिर 8 सर्कल में, और उसके बाद पूरे सभी सर्कल्स में अपने जो प्लान्स हैं उनकी 99 प्लान्स की कीमत को बढ़ा के 155 कर दिया था। इसी तरीके से अभी कंपनी भी यही करने वाली है, वोडाफोन आइडिया भी, कि अभी इसको महाराष्ट्र में किया गया, कुछ दिनों बाद इसको बाकी सर्कल्स में धीरे धीरे रोल आउट कर दिया जाएगा, यानी कि प्लान्स की वैलिडिटी अब कम होने वाली है वोडाफोन आइडिया की। अब कंपनी ने वैसे यहाँ पे ये काम करने बहुत देरी लगा दी है, अब देखने वाली बात हुई कंपनी का ARPU कब तक बढ़ता है, और मुझे तो वेट है कंपनी की सिर्फ 5G का, कब तक 5G आता है। तो अगर आप लोग भी वोडाफोन आइडिया यूज़ कर रहे हैं, वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई कोई अपडेट्स चाहते हैं, 5G से जुड़ी हुई अपडेट्स चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसी कुछ अपडेट आए सबसे पहले आपको चैनल पर वीडियो देने के लिए मिल जाए। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना, जो वोडाफोन आइडिया यूजर्स हैं तक वीडियो पहुँचने
पूछनी चाहिए तो उनके साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए, और ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहने के लिए टेक्नो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।